गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। कल पूरा दिन मैंने इसे इग्नोर किया था तो आज खुद आ रहा है, वरना आप लोगों को पता है कि कुछ भी कर लो ये प्यार करने बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन कल इसको इग्नोर करने का ये फ़ायदा हुआ है कि आज खुद से आ रहा है कि मुझे थोड़ी सी प्यार कर लो। आप देखते हैं शमशेरा क्या कर रहा है। शमशेरा यहीं बैठा रहे, तू तेरी फेवरेट जगह बालकनी है ना, क्या ताड़ रहा है यहाँ से, देखो लोगों को देखता रहेगा इधर उधर। नोनू बेटू मेरे बच्चा, कहाँ कर लियो तुम आज तो धूप, तो मेरे पेट पे क्यों चल रहा है भाई, आज तो अच्छी धूप आई है यहाँ पे। सुबह बारिश हो रही थी 6 बजे और उसके बाद अभी बहुत तेज़ धूप आई है। जिस हिसाब से धूप आई है लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होगी। आसमान तो आज बिल्कुल साफ़ है, लेकिन हाँ पहाड़ों में एक चीज़ है कि जब भी धूप बहुत तेज़ आती है तो बारिश भी अच्छी खासी आती है, तो धूप देख के लग रहा है कि बारिश आएगी। बहुत बारिश होती है भाई, मतलब एक सिंगल डे ऐसा नहीं है जिस दिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई है जब से मानसून आया है, हर दिन बारिश होती है हर दिन। क्या 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 देख रहे हो तुम यहाँ पीछे बैठ के, सम्राट? ओए सम्राट, ला उसको, 2 मिनट में फिर अपने भाई पे प्यार आ जाता है ना शमशेरा। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और या फिर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। डेली इन दोनों के व्लॉग्स आते हैं और छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, मज़ेदार जो ये मस्तियाँ करते रहते हैं घर में दोनों के दोनों, सम्राट एंड शमशेरा, इनके मज़ेदार से वीडियोस आती हैं। आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। शमशेरा हम्पिंग मत कर हाँ उसके साथ तू, और वीडियोस पसंद आते तो वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर ज़रूर किया करो, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही दोनों को अपना ढेर सारा प्यार जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे बच्चों को ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहिए। 25K भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से उसी के साथ बिज़ी थी। 25K हमारे, मैंने 25K पे बोला था कि मैं सेलिब्रेट करूँगी, केक कट करूँगी इन दोनों के साथ, लेकिन ये सब मैं इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी सिस्टर की फ़र्स्ट कीमोथेरेपी हुई है, सेलिब्रेशन करने का फर्स्ट अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई मन ऐसा कर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है तो एक दो दिन में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि केक तो एटलीस्ट हम कट कर ले, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं भी करें तो केक कट करेंगे 25K का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी जल्दी हमारी 25K की फैमिली कम्प्लीट हो गई है। आगे भी अपना साथ ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना। अभी यहाँ पे हो गई थी काफ़ी तेज बारिश तो दोनों को बाहर लेके नहीं आ पाई थी और अभी लेके आई हूँ बाहर। इनका सुसु का टाइम हो गया था लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और बारिश आने के बाद एकदम से आ गई है धूप। शमशेरा हो गया, देखो इन्होंने ना मुझे कैसे बांध दिया, आप देख सकते हो ये सम्राट इधर से इधर निकल गया है तो मुझे बांध दिया है, ऐसे मैं गिर जाती हूँ। गिराओ मत, अच्छा पोटी करनी कर लो वरना चलो, मुझे पता है ये पोटी का टाइम नहीं है। देख यहाँ भी झगड़ा गाइस, यहाँ पे भी इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये सम्राट इतना बदतमीज है, इसको ये भी नहीं, ये देख सम्राट अब बिना बात के लड़ रहा है उससे यहाँ पे भी। चले चलो सम्राट, क्यों लड़ रहा है ये बता दे, देख कैसे काट रहा है उसको, बाहर आने के बाद भी इसकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है। इसको झगड़ा, इसको लड़ाई यही करना होता है। देखो बाल नोचेगा उसके, उसके हार्नेस खींचेगा, यही काम है इसका, ये देखो। हाँ वो कुछ भी नहीं कर रहा तो भी उससे लड़ना है इसको। सम्राट लड़ क्यों रहा है ये तो बता दे, कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, बिना बात के तो कोई नहीं लड़ता। चले चलो और सुसुकन्नी कर दो फटाक से। चले बिटू आ जाओ शमशेरा, चलो
चलो चलो चलो, अच्छी खासी धूप आ गई है अभी। कई सम्राट शमशेरा के साथ मुझे मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। और अभी शाम को मैं निकल के आ गई हूँ घर से बाहर, सम्राट शमशेरा को घर में छोड़ के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी अपना टाइम होना चाहिए, तो मैं निकल के आई हूँ बाहर। और इतनी सुंदर जगह है गाइस, इतनी सुंदर जगह है, मतलब यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, मतलब इतने टाइम से रहने के बाद भी मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने खुद के कोई व्लॉग्स नहीं बनाती, व्लॉग्स में मैं अपना कोई व्यू नहीं लेती, बट मैं आज आप लोगों को ये दिखाना चाहती कि कितनी सुंदर जगह है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है गाइस, इतनी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे विंटर्स में ना एकदम कोहरा हो जाता है सामने से, और एकदम ठंड लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं, वैसा फील हो रहा है यहाँ पे, एकदम मजा आ गया। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। अब आप यहाँ से व्यू देख सकते हो गाइस, मतलब लिटरली यहाँ से नीचे बस मुझे नहीं पता कि क्या है, बस कोहरा दिख रहा है, झाड़ियां दिख रही है, घने जंगल दिख रहे हैं, नीचे कितनी गहरी खाई है गॉड नोज, लेकिन इतनी सुंदर जगह है आप देख सकते हैं, इतना सुकून है, इतनी शांति है। फल भी मिला हमें यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हो यार कितनी सुंदर जगह है, वाओ। अगर कभी आप लोगों को यहाँ आना हो ना, और आप जानना चाहते हो कौन सी जगह है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम सम्राट शमशेरा पे मैसेज कर सकते हो, जो उनका पेज है वहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये कौन सी जगह है, आप भी यहाँ पे घूमने आ सकते हो। यहाँ पे अब लोग दिखने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ओ माय गॉड, अमेजिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है पूरा रोड, नीचे भी रोड है, इधर पूरे घने जंगल है पूरे। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे भी बस जंगल जंगल जंगल। बहुत ही सुंदर जगह गाइस, बहुत ही सुंदर जगह, मजा आ गया उसको, मतलब सम्राट शमशेरा के साथ तो ऑब्वियसली मजा आता ही है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद को भी टाइम देना चाहिए, तो आज मैं बहुत ही सुंदर जगह आई। आप लोग देखो, मतलब ऐसा कोहरा मैंने सिर्फ ना विंटर्स के टाइम पे देखा था, सर्दियां होती हैं और कोहरा लगा होता है पूरे रास्ते में। वैसे तो खैर ये चीज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, जब हम गांव में रहते थे वहां पे काफी होता था ऐसा माहौल, लेकिन जब से मैं दिल्ली रहने लगी तो मैंने ये सारी चीज़ें ना देख नहीं पाई थी। आज मैं बहुत सालों बाद ऐसा देख रही हूँ कि मतलब कोहरा है इस मौसम में, मज़ा आ गया तो गाइस, मज़ा ही आ गया, बहुत सुंदर जगह है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ हमारी स्कूटी की लाइट से हमें रास्ता दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैं घूमने आई हूँ यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मोमोज वाला था, लोगों ने बताया था, और मैंने ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी नाम सुना हुआ था, तो आज हमने वहाँ से मोमोज लिए हुए हैं, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे मैं बाहर के मोमोज बहुत ही कम खाती हूँ, मुझे अपने घर के ही मोमोज पसंद है। आप लोगों ने मेरी 3S किचन रेसिपीज़ में हमारी वीडियोस देखी होंगी कि मैं हमेशा घर पे ही हम लोग मोमोज बनाते हैं, बाहर के मोमोज मुझे जब से मैंने घर में बनाने शुरू किए हैं बाहर के मोमोज मुझे पसंद ही नहीं आते, बट ये बहुत फेमस थे, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। गाइस मैंने मोमोज टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आए, हो सकता है ये लोगों को बहुत पसंद हो, मैंने बहुत नाम सुना था तो मैंने सोचा कि टेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उसमें जो मुझे सबसे ख़राब लगा, एक तो इन्होंने बॉइल्ड चिकन इसमें यूज़ किया हुआ है जिसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आ रहा है, और दूसरा प्याज हल्का सा कच्चा है, कच्चा प्याज तो खैर अच्छा लगता है, वो किसी भी चीज़ में अच्छा लगता है, बट चिकन की ना हल्की सी स्मेल आ रही है, अगर चिकन आप बॉइल करके डाल दोगे तो बहुत ही स्मेल आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप चाहते हो आप भी अच्छे मोमोज खाओ, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप 3S किचन रेसिपीज़ पे जाके ना हमारे मोमोज वाली रेसिपीज़ देख सकते हो, वो लाजवाब है। मतलब हमारा चैनल है, मैं इसलिए उसकी तारीफ़ नहीं करती, बट ऑनेस्टली अगर आप उसी तरीके से एक बार मोमोज खाना या बनाना शुरू कर दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बाहर के मोमोज मेरी तरह खाना बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत मोमोज खाती थी बाहर के, बट जब से मैंने अपने घर पे बना के खाए हैं तब से मैं बाहर के मोमोज खाना बंद कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी कर दोगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं जहाँ पे अभी रुकी हूँ मोमोज खाने के लिए, यहाँ पे नीचे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, नीचे पहाड़ियाँ दिख रही है, मुझे यहाँ से ना आगे जाने में भी डर लग रहा है, वैसे आगे तक काफ़ी वहाँ पे तक आप जा सकते हो, बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे सीधे खाई है, और नीचे आ रही है नदी की आवाज़ इतनी तेज़, आप अगर मैं चुप हो जाऊँ तो आपको आवाज़ सुनाई देगी शायद,
शायद आप लोगों को आई होगी आवाज़, मुझे नहीं पता। इतनी तेज़ नदी की कलकलाहट सुनाई दे रही है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कोहरा है। इतनी सुंदर जगह, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। और अगर आप सच में यहाँ पे आना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है सम्राट शमशेरा 9891। आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो इस लोकेशन के लिए। हम यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं भीग जाऊँ तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, बट बारिश हो रही है तो इसलिए निकल गई हूँ यहाँ से। अभी जब हम आए थे यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ झमाझम यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा फटाफट। कितनी शांति है गाइस, बारिश से ज़्यादा यहाँ पे इतनी शांति है, इतना अच्छा लग रहा है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। जाने का मन नहीं है बट बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, अब निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। अभी आप देख सकते हो मैं भीग के पूरा भीग गई हूँ अच्छे से, मतलब कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है और स्कूटी चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए एक जगह पे रुक गए हैं। यहाँ पे भी मैं बैठी हूँ बाहर ऐसी जगह पे, वैसे अंदर बैठने के लिए स्पेस है पूरा, बट मैं वहाँ पे नहीं बैठी हूँ। यहाँ पे बाहर से भी ऊपर छतरी है आप देख सकते हो, और बारिश की आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई ही दे रही होगी, कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो गई है, मेरे चश्मे में भी बारिश बारिश सब गिर चुकी है, तो मुझे यहाँ से दिखना थोड़ा कम हो गया। मैंने अभी यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हैं तो मैंने यहाँ पे नूडल्स और मोमोज ऑर्डर किए हैं वापस से। अभी मोमोज मैंने थोड़ी देर पहले खाए थे, वो मुझे इतने पसंद नहीं आए थे, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप के मोमोज ऑर्डर किए हैं। नूडल्स मुझे बहुत पसंद आए और मोमोज मैं खा रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा खाया है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ कि वो कैसे। और बारिश की आवाज़ की वजह से हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ना यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरा बेस्ट डे है और मैं इतना इन्जॉय कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो चलो पहले मैं मोमोज टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मोमोज कैसे। नूडल्स बहुत ही मज़ेदार है, बोलते ना हम लोग नूडल्स नूडल्स, तो ये अब मतलब अलग अलग लैंग्वेज आ गई है। हम लोग खाते हैं चाउमीन, तो ये बिल्कुल चाउमीन बनी है एकदम, और इतनी मज़ेदार है। तुयम गाइस, ये है नूडल्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब नूडल्स हैं। मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बाहर का खाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं बहुत ही कम बाहर का खाना खाती हूँ, और अगर खाती भी हूँ तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि मुझे बाहर का खाना पसंद आता है, बट ये नूडल्स अमेजिंग है। और ये मोमोज अब आप देख सकते हो, कुछ तो अलग बात है मोमोज में। गाइस आप देखो, ऊपर से मोमोज, नीचे से पानी, कुछ चटनी वगैरह। इसका नाम है झोल मोमोज, झोल मोमोज। झोल हमारे पहाड़ में बोलते हैं पानी को, मतलब ऐसा कुछ तरीदार कुछ हो उसको झोल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये इतने अल्टीमेट हैं गाइस, इतने अल्टीमेट, मतलब मज़ा ही आ गया इनको खाने के बाद। तो गाइस ये झोल मोमोज जो मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी जो रेस्टोरेंट में बनाने वाले भैया हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये नेपाली डिश है। नेपाल में मोमोज को ऐसे ही बनाया जाता है ग्रेवी के साथ, और लाजवाब है गाइस, लाजवाब। अभी मैंने उनको बोला है कि और आपके पास कोई ऐसी फेमस डिश हो तो आप वो भी लेके आओ, तो अभी वो कुछ नया, उन्होंने नाम तो मुझे बताया, मुझे नाम नहीं समझ आया, बट वो भी लेके आने वाले हैं, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि वो कैसा है। गाइस आज का व्लॉग पानी पानी हो गया है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो, मतलब ऊपर छत है और पानी पानी बिल्कुल सर के ऊपर टपक रहा है अच्छे से, और खाने में जो मज़ा आ रहा है, मतलब मैं हमेशा ऐसे चाहती थी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हैं। दिल्ली जाने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था, बिछड़ गई थी मुझसे। और आज मैं ये आप लोगों को पता ही है कि मैं कभी भी सम्राट शमशेरा के चैनल पर अपनी इतनी सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ना जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरे पसंद की हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट शमशेरा का चैनल तो ऑब्वियसली मैं ही चलाती हूँ, तो मुझे मेरी चीज़ें भी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं शेयर करूंगी, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप जात लोगों के साथ। मज़ा आ गया यहाँ पे, मतलब ये छतरी लगी हुई है ऊपर, बट मैंने इसको ना इतना रखा हुआ है कि मेरा फ़ोन ना भीगे, बाकी मैं पूरा अच्छे से भीग रही हूँ यहाँ पे। और खाना अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। मौसम,
खाना और सारी ही चीजें, बस अब चाहिए आप लोगों का प्यार। आप लोग भी बस ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार गाइस हमें दिखाते रहना। 25,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 25,000 की हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है गाइस। जल्दी से मैं केक कट करूंगी, आप लोगों को पता ही है कि सिस्टर की वजह से। और यहाँ पे इतनी धुंध है, ऐसे बादल तैर रहे हैं आसपास बिल्कुल। तो जल्दी से हम केक कट करेंगे, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वो मैं ज़रूर करूंगी। तो जल्दी से हम 25,000 का केक कट करने वाले सम्राट सिंघेरा के साथ। गाइस नूडल्स मुझे बहुत पसंद आए और मोमोज मुझे बहुत पसंद आए। उसके बाद अभी मैंने ऑर्डर किया है नेपाल की एक बहुत ही फेमस डिश है, भैया ने मुझे बताया, वाई वाई सांदे को कुछ सैलड टाइप का है। इस पे नींबू उन्होंने बताया कि ऑलरेडी डला हुआ है, आप अभी अगर आपको लगे तो ही आप नींबू ऐड करना। जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है कि खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा कुछ मैगी सा मुझे दिख रहा है इसमें। तो वाई वाई सांदे को उन्होंने इसका नाम मुझे बताया है, तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। गाइस इस डिश में मैगी, वाई वाई मतलब जो एक मैगी भी आती है, आई थिंक मैंने सुना है उसका नाम वाई वाई करके, और नेपाल में मैगी को वाई वाई ही बोलते हैं। इसमें आलू, खीरा, प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें डली हैं, एक सैलड की तरीके से है। बड़ी हेल्दी डिश मुझे ये लगी और लाजवाब बनी है। अगर आप यहाँ पे कभी आओ तो ज़रूर ट्राई करना, या फिर अगर ये कहीं आपको मिले वाई वाई सांदी को आप डिश बोल सकते हो, बहुत ही लाजवाब है, मज़ा आ गया इसे खा के। गाइस यहाँ पे मैं तो कर रही हूँ चिल एकदम से बारिश में, क्योंकि मज़ेदार खाना खा रही हूँ और मस्त बारिश हो रही है, बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज पता नहीं घर में शमशेरा ने और सम्राट ने क्या कांड किया होगा, मुझे नहीं पता भाई। सम्राट ने तो, शमशेरा तो खैर करता नहीं, आप लोगों को पता ही, लेकिन सम्राट ने पता नहीं क्या ही किया होगा। अरे शमशेरा को कॉल करना। अरे यार कॉल कहाँ से करूँ, शमशेरा ने अपना नंबर देने से ही मना कर दिया मुझे, बोला मैं नंबर नहीं दूंगा आपको। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ खाना खा लूंगी तो शायद थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, बारिश और तेज होती जा रही है। और 9 बज चुके हैं, मतलब पहली बार मैंने इतनी देर तक अपने बच्चों को घर पे अकेले छोड़ा, मुझे नहीं पता आज घर में क्या होने वाला है और क्या किया होगा। थोड़ा डर भी लग रहा है कि सम्राट ने पता नहीं क्या ही कांड किया होगा। और वैसे मुझे बाहर निकले में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 ही घंटे हुए हैं। 2 घंटे के लिए कई बार मैं जिम भी जाती हूँ, 2 घंटे के लिए मैं घर का सामान लेने भी जाती हूँ, लेकिन टेंशन हो रही है। अब मेरा घर जाके डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने सोचा है कि एक लास्ट एग रोल और मंगा लेती हूँ। मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ सम्राट शमशेरा की ही तरह, इसीलिए मेरे बच्चे भी भुक्कड़ हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ। बारिश की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी कितनी तेज़ आ रही है। तो अभी एग रोल मंगाया, लास्ट एग रोल खा के मैं यहाँ से निकलती हूँ। और मैंने तो जो कांड करना था कर लिया मम्मा, सम्राट की आवाज पीछे से, इंट्यूशन, सम्राट कह रहा है मम्मा जो होना था ना वो हो गया, आप छोड़ के गई हो ना, घर में कांड तो मिलेंगे ही आपको। गाइस 9 बज चुके 9 और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है, क्योंकि लेट हो गया, मेरे बच्चे ना 8:30 खाना खा लेते हैं, लेकिन आज 9, बारिश कम ही नहीं हो रही है, और आप इतनी तेज़ बारिश में स्कूटी चला ही नहीं सकते, क्योंकि सारी बारिश ना मुँह पे आती है, आप हेलमेट पहन लो या कुछ भी कर लो, मुँह पे बारिश आती है तो आप स्कूटी चला नहीं सकते हो। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे घर में। मम्मा जो करना था वो तो कर लिया, प्लीज़ आप मारना मत, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मम्मा, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ ये मेरी रिस्पेक्ट है आपसे, मुझे मारना मत। मैं कभी सम्राट को नहीं मारती हूँ, लेकिन सम्राट की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी कि सम्राट क्या बोलना चाहता है। प्लीज़ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बस हो गया, बस हो गया सम्राट, नहीं मार रही। रिस्पेक्ट, ओके सम्राट, ओके। गाइस सीरियसली मुझे पता है कि आज बहुत ही फनी व्लॉग मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने कभी इस तरीके का व्लॉग हमारा देखा नहीं होगा। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग एंटरटेन हो, आप लोगों को मजा आए हमारे। ये सम्राट का जो क्या बोलूँ मैं, सम्राट बोलूँ या सम्राट का बाप बोलूँ, देखो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा, तो मैं क्या ही बोलूँ आगे इससे आगे। रिस्पेक्ट,
ठीक है सम्राट। बिस्कुट गाइस, मैं मेरे घर में ना ऐसी फनी चीजें पूरा दिन चलती हैं, बट मैं बस सम्राट शमशेरा का चैनल है इसलिए मैं ना कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, बट आज बड़ा बिस्कुट करना भाई का बात है। ये शमशेरा बोल रहा है बिस्कुट नहीं चलेगा। गाइस बस हो गया, इससे ज्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा अपने फेस के साथ रिकॉर्ड करूंगी मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाऊंगी और मैं चाहती नहीं कि आप लोग वो देखो। ओह माय गॉड गाइस, बस मैं बस बंद कर रही हूँ यहाँ पे, बस हो गया। राजा पहले तो गाइस ये निकल गया घर से बाहर जैसे मैंने गेट ओपन किया, और ये है घर का हाल। आप देख सकते हो सोफा अपनी जगह से पूरा हिला हुआ है, सोफा यहाँ नहीं होता, पीछे पूरी दीवार खाली है, ये है और ये देखो ये पूरा सोफा यहाँ पे कट चुका है, यहाँ से ये हाल है और ये घर का हाल है, और ये है हमारे सम्राट महाशय। बट आज मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आज जो मौसम था ना, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि आज मैं सम्राट को कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। लेकिन गाइस आप देख सकते हो सोफा ये कहाँ खींच के लेके, इतना भारी सोफा खींच लेता है गाइस, ये क्या करता है मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। गाइस 9:45 हो गए हैं और आज बच्चे थोड़ा लेट में खाना खा रहे हैं, मुझे हिचकी आ रही है, आई एम सॉरी। 9:45 बच्चे खाना खा रहे हैं, घर में रायता फैलाया हुआ था पहले वो समेटा, मैं पूरी भीग चुकी थी, चेंज किया मैंने तो टाइम लग गया, और खाना देने में मैंने लेट इसलिए किया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। घर में आए थे 1 किलो टमाटर जो सम्राट पूरे खा चुका है, सिर्फ 2 टमाटर यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी सारे टमाटर सम्राट ने ख़त्म कर दिए हैं। मुझे हिचकियाँ आ रही है तो मैं भी थोड़ी देर रुक जाती हूँ। गाइस दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, अब मैं सोच रही हूँ, बारिश तो बंद हुई नहीं है बट इनको लेके जाती हूँ बाहर सुसु और पॉटी करा के ले आती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद इनको सुसु और पॉटी जाना ज़रूरी होता है, तो इनको लेके जाती हूँ बाहर फटाफट से।